बता दें बीजेपी के संसदीय दल की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी संसदीय दल की बैठक के लिए अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पहुंच गए। बता दें बैठक शुरू होने से पहले लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। वह यूक्रेन की स्थिति पर विदेश मंत्री की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। बता दें साथ ही पीएम मोदी और जेपी नड्डा का मार्गदर्शन मिलेगा। बता दें कि लोकसभा में बीजेपी के 301 सांसद हैं, वहीं जबकि राज्यसभा में 97 सांसद हैं। वहीं बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। बता दें 10 मार्च को 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित हुए हैं, जिनमें पंजाब को छोड़कर बीजेपी ने सभी राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार पद छोड़ दे और किसी दूसरे नेता को मौका मिले। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा और कहा कि अगर उन्हें हार के कारणों की जानकारी नहीं मिली तो कल्पना लोक में जी रही है। सिब्बल ने आगे कहा कि वो विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार से हैरान नहीं है। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बाहर भी एक कांग्रेस है, कृपया उनके विचारों को सुने। अगर आप चाहें तो हमारे जैसे बहुत से नेता हैं जो सीडब्ल्यूसी में नहीं है, लेकिन कांग्रेस में एक पूरी तरीके से अलग दृष्टिकोण है। क्या इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सीडब्ल्यूसी में नहीं है। देश भर में बहुत सारे कांग्रेसी हैं, केरल से, आसाम से, जम्मू कश्मीर से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, जो उस दृष्टिकोण को नहीं देखते।